मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध था, लेकिन अगले ही दिन यानी शनिवार को पूनम पांडे ने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि वो जिंदा हैं। अपनी मौत की झूठी खबर खुद पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर शेयर की और पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश की है। उनकी इस हरकत पर लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट गया। ऐसे में जानना जरूरी हो गया कि क्या पूनम पांडे पर फेक खबर फैलाने को लेकर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल एक्ट्रेस को फेक खबर फैलाने के मामले में जेल हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर यही अपराध दोहराया गया तो दोषी को 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। फिलहाल आपके अनुसार पूनम पांडे को सजा होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।